तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दो ऐसे सिंपल हैक्स जो आपके लाइफ बहुत ही आसान कर देंगे। तो वो क्या है, तो वीडियो को पूरा देखिए, तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरी दुनिया में। जी हाँ, मेरे चैनल मेरी दुनिया में। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ दो हैक्स जो कि मैंने रील्स पे देखे थे, मुझे अच्छा लगा और आसान लगा, हमारी लाइफ को ये आसान करेगा हैक्स। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी किचन में। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को जो मेरा पहला आसान तरीका है जूस निकालने का, वो बताने वाली हूँ कि हम तरबूज का जूस कैसे निकालें घर पे आसानी से, अगर हमारे पास जूसर नहीं है या फिर खराब हो चुका है और हमें जूस पीना है। तो मैं आपको घर पे आसान तरीके से जूस निकालना बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तरबूज को काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो देखिए यहाँ पे मैं काट रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से तरबूज को काट लेना है। तो इस तरीके से सारे तरबूज को छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। तो मैंने यहाँ सारे तरबूज को काट लिया है। और हम लेंगे एक बाउल बड़ा सा जिसमें हमें जूस निकालना है, और सबसे जरूरी चीज स्ट्रेनर जिससे हम जूस निकालेंगे, यही हमारा आज का जूसर है। हमें इसमें क्या करना है, तरबूज के टुकड़ों को लेकर के और ऐसे उसमें रगड़ना है, घिसना है हमें, और ये देखिए जूस निकलना शुरू हो गया है। तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इस तरीके से सारे टुकड़ों को ले लेके रगड़िए और ये क्या होगा, जूस नीचे छनता जाएगा। और जब नीचे चला जाए तो थोड़ा छोटा और कर लीजिए उसे, और टुकड़ों में बांट लीजिए और उसके बाद घिसिए, तो ज़्यादा आसानी से ये घिस जाएगा। देखिए कितना सारा निकला है एक टुकड़े में। और आगे भी हम इसी तरीके से सारे तरबूज को घिस लेंगे, और जो नीचे का हो जाता है वो टाइट हो जाता है, तो हमें इस तरीके से चाकू से उसे छोटा छोटा कट लगा करके लूज कर लेना है। तो देखिए मैंने कैसे इसमें कट लगा लिया, बिल्कुल इसी तरीके से कट लगाइए और इसको हमें वापस से घिस लेना है, तो ना ये भी आसानी से घिस जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से ये भी घिस चुका है हमारा बहुत अच्छे से, ये देखिए पूरा क्लीन हो गया। और ये मैंने इतना सारा जूस निकाला है दो तीन टुकड़ों में, बाकी मेरा अभी बचा हुआ है तरबूज, तो मैं इसे ग्लास में डालकर आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अगर आपका जूसर खराब हो और आपको जूस पीने का मन हो तो आप इस तरीके से भी जूस निकाल सकते हैं, है ना ये आसान तरीका जूस निकालने का। मुझे अच्छा लगा, आसान लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। यहाँ हम दूसरा आसान तरीका बता रहे हैं कॉफ़ी बनाने का, क्रीमी वाला। तो देखिए कैसे बनने वाला, हमें लेना है एक प्लेट और उसमें डाल लेना है कॉफ़ी। तो मैंने यहाँ एक टेबल स्पून के बराबर कॉफ़ी डाला है, और मैं यहाँ डाल दूंगी पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी करीब तीन टेबल स्पून के बराबर है। और फिर हम इसमें डाल देंगे गरम पानी, ध्यान रहे यहाँ हमें गरम पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, डेढ़ या दो टेबल स्पून के बराबर हम इसमें पानी डालेंगे। और हमें फिर से चाहिए होगा स्ट्रेनर, तो हम यहाँ छोटा वाला लेंगे। और फिर हमें क्या करना है, अब करना है मिक्स। तो यहाँ हमारे हाथों का एक्सरसाइज होगा क्योंकि हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से, जब तक कि ये क्रीमी ना हो जाए। तो हमें धीरे 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 सारे चीनी और कॉफ़ी को साथ में मिक्स करना होगा, और ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे घुल रहा है ये, और इसका कलर देखिए थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी हमें इसे और करना है, और ज़्यादा इसे मिलाते जाना है, मिलाते जाना है, हाथों का अच्छा खासा एक्सरसाइज होने वाला है। देखिए कलर भी चेंज हो रहा है हमारा, लेकिन अभी हमें और करना है। तो ये हमारा हो चुका है, देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ गया, और इसका कलर भी जैसा हमें चाहिए पूरा वैसा ही आ चुका है, कितना क्रीमी हो गया है ये। तो ये फाइनली अब हमारा कॉफ़ी तैयार है। तो आप चाहे तो इसे कोल्ड कॉफ़ी की तरह पी सकते हैं या फिर हॉट कॉफ़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बनाने वाली हूँ कोल्ड कॉफ़ी, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो इसलिए। तो मैं यहाँ डाल दूँगी ग्लास में आइस, और फिर हम इसमें डाल देंगे कॉफ़ी को।
जो हमने तैयार करके रखा था। तो मैं यहाँ 2 से 2.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा जो ग्लास है वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं 2 से 2.5 चम्मच यहाँ पे कॉफ़ी मिला लूँगी। और अब मैं डाल दूँगी इसमें ठंडा ठंडा दूध। ये देखिए हमारा कोल्ड कॉफ़ी रेडी है। लग रहा है ना यम्मी? बहुत ही आसान तरीका है ये क्रीमी कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी बनाने का। तो ये आप आसानी से घर पे भी बना सकते हैं और हर कोई बना सकता है। तो देखिए रेडी है हमारा कॉफ़ी। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा हो तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं घर पे और पी सकते हैं जूस भी और कॉफ़ी भी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा।